यक्षराय न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल्लाह रहमान। दर्शकों, भागलपुर के जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल को तो आप जानते ही होंगे। गोपाल मंडल वो चेहरा है बिहार का जो इस समय लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में बना हुआ है, और इस समय उन्होंने जिस तरीके से एसपी को लेकर, जिस तरीके से अपने सांसदी के चुनाव लड़े जाने को लेकर के बयानबाजी की है, ये सब आप बखूबी जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो महीन मुद्दा, वो बड़ी बात जो आप सुन करके खुद हैरान हो जाएंगे। दरअसल बिहार में फिर से एक बार बगावत के आसार शुरू हो चुके हैं। बिहार में फिर से एक बार बगावती बोल जो है गोपाल मंडल के निकलने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि गोपाल मंडल अब पूरी तरीके से ये बात समझ चुके हैं कि अभी से अगर उन्होंने बयानबाजी नहीं शुरू की तो चुनाव में टिकट मिलना बिल्कुल बेमायने है, मिल ही नहीं सकता। अब देखना ही है दर्शकों कि आखिरकार गोपाल मंडल को लेकर के क्या वाकई नीतीश कुमार मेहरबान होते हैं। आइए आपको पहले गोपाल मंडल के इस बयान को जरूर सुन लेना चाहिए जो उन्होंने दिया है, और इसके बाद ही ये राजनीतिक बवाल। हाँ, लोकसभा लड़ेंगे, पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो? नहीं देगी, पॉकेट मेरे टिकट वे में पॉकेट में टिकट है। आप अपने फाइनल कर लेते हैं? हमें फाइनल कर, हमें नेता है ना, राहुल गांधी नीतीश नेता नहीं। अरे राहुल गांधी से पूछिए जाके ना, किसी, अरे किसी कांग्रेसिया से पूछिए। नीतीश कुमार को नेता नहीं मानते, खुद कह रहे हैं कि अपने फाइनल कर ले रहे हैं। अरे हम ही फाइनल करते हैं, हम ही नेता है, लड़ रहे। तो आपने देखा दर्शकों, अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि दरअसल वाकई क्या नीतीश कुमार जो है भागलपुर सीट से उन्हें चुनाव लड़ाएंगे, और क्या उससे पहले ही या गोपाल मंडल जो है वो आरजेडी तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के खेमे में शामिल हो जाएंगे। ये दो चीजें इस समय बिहार में चर्चा का विषय है। गोपाल मंडल क्या चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा का, या फिर वो तेजस्वी लालू का साथ दे करके आरजेडी के विधायकों को तोड़ देंगे। ये दोनों का दोनों मामला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। दर्शक, इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ।